नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋष्वा संचेती। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी टेबल को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये बहुत ही आसान मेथड है, इसको आप देखिए और आप मल्टीप्लाई कीजिए बहुत ही आसानी से। इन जनरल प्रैक्टिस हमको 11 की टेबल बहुत अच्छे से याद होती है। अगर आपको 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो 22, 3 को करना हो तो 33, 4 को करना हो तो 44, अप टू 9 तक करना हो तो 99, 10 को करना हो तो 110। लेकिन अगर हमको 2 डिजिट नंबर सपोज 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखते हैं और उसके बाद में हम लिखेंगे इन दोनों का सम। तो ये हो गया 5। उसके बाद में हम लिखेंगे लास्ट डिजिट। हम स्टार्ट कुछ इस तरह से करते हैं कि हम सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं, उसके बाद में फर्स्ट 2 डिजिट्स का सम, उसके बाद में लास्ट डिजिट। सपोज हमको 253 को ही 11 से मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करेंगे, हम 2 से शुरू करेंगे, उसके बाद में 2 और 5 का सम लेंगे तो आ गया 7। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका सम ले चुके हैं तो हम नेक्स्ट 2 टर्म्स का सम लेंगे 5 और 3 का, तो ये हो गया 8। जब हम लास्ट स्टेप का सम ले लेते हैं, उसके बाद में हम लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम पहले इसको ही ले लेते हैं 2783 मल्टीप्लाई बाय 11। हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं, उसके बाद में फर्स्ट 2 डिजिट का सम लिख रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट 2 डिजिट का सम 7 + 8 = 15। इन जनरल प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी सम आता है या कोई भी नंबर आता है तो हम कैरी ओवर टर्म हमेशा थोड़ा सा नीचे लिखते हैं शॉर्टकट मेथड्स में। यहाँ पर 7 + 8 हमारे पास 15 आया है, हम इसको 1 को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे और इधर लिखेंगे 5। 8 + 3 हमारे पास में आएगा 11, यहाँ पर भी हम ये वाला 1, फर्स्ट वाला 1 थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। अब जब हमने लास्ट तक डिजिट्स का सम ले लिया है तो हम लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख देंगे। अब हम देखेंगे, हमने यहां से शुरू किया 3 को एज इट इज लिखा 1 ऐसे, ये इसका कैरी ओवर है, 1 जो है वो कैरी ओवर टर्म है। तो 5 + 1 करेंगे तो ये 6 आ गया, 9 + 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो यहां पर इसका एक और कैरी ओवर आ जाएगा 1, तो ये हो गया 3। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब बड़े से बड़ा नंबर लीजिए, उसको इन डिजिट्स को ऐड करते हुए एडिशन की सहायता से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से। आप ट्रस्ट कीजिए, अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप इन इस तरह के सवालों को चंद मिनटों में सॉल्व कर पाएंगे। आपको मिनट लगेंगे ही नहीं, आप कुछ ही सेकंड्स में इस तरह के सवाल हल कर पाएंगे और आप अपना अधिकतर फोकस ऐसी प्रॉब्लम्स में डाल पाएंगे जो कि थोड़ी सी मुश्किल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंग्लिश में इस तरह की डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, इंग्लिश में डिटेलिंग देखना चाहते हैं, तो मैंने ऐसा एक और वीडियो डाला है, उसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।